देश की पहली रैपिड रेल भारत में मार्च 2023 से शुरू होने वाली है और अभी इसका ट्रायल्स चल रहे हैं। RRTS भारत में दिल्ली और मेरठ के बीच में 82 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को बनाया जा रहा है और इसके कॉरिडोर के फर्स्ट फेज का काम कंप्लीट हो गया है और अब इस फेज के ऊपर ट्रायल्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। गाजियाबाद स्टेशन से दुहाई डिपो के बीच में 9 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर 25 किलोमीटर की रफ्तार से इसका परीक्षण किया जा रहा था, लेकिन अब रिसेंटली साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच 17 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर इसको 140 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर दौड़ाया गया और अब ऐसी भी संभावना है कि इसके इस ट्रायल में इसको 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भी दौड़ाया जाएगा। रैपिड रेल का निर्माण कार्य दिल्ली से मेरठ तक तेजी से चल रहा है, लेकिन इसका पहला जो प्राथमिक फोकस था वो इसका पहले फेज यानी कि साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच में था, तभी जहां पे ट्रायल्स हो रहे हैं और इस खंड पर रैपिड रेल को मार्च में शुरू कर दिया जाएगा। इसकी तैयारी होने लगी है, कॉरिडोर बनके तैयार हो गया है। दिल्ली से मेरठ तक पूरे 24 स्टेशन बनाए जाने हैं और साहिबाबाद और दुहाई तक उसके बीच में 2 स्टेशन आते हैं। रैपिड रेल का ट्रैक 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाला है, हालांकि प्रचालन गति 160 किलोमीटर की ही रखी जाएगी। रैपिड रेल हर 5 से 10 मिनट में उपलब्ध होगी। दिल्ली से मेरठ के बीच की दूरी 55 मिनट में पूरी हो जाएगी। रैपिड रेल चलने का लाभ रोजाना 8 लाख दैनिक यात्री उठाएंगे। RRTS के स्टेशंस को मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन और बस डिपो के साथ जोड़ा गया है। इसके कोच में मरीजों के लिए व्हील चेयर और स्ट्रेचर रखने के इंतजाम है। स्टेशन डिजाइन में इसका ख्याल रखा गया है। इमरजेंसी कंडीशन में मरीज को स्टेशन में प्रवेश और ट्रेन में सवार होने एवं बाहर निकालने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। गंभीर मरीज रैपिड में आ और जा सकेंगे। अलग से ग्रीन कॉरिडोर बनाने की जरूरत नहीं होगी। मरीजों में कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं वसूला जाएगा। फिलहाल इसके ट्रायल्स बहुत ही सफलता के साथ किए जा रहे हैं और इसको 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ दौड़ाया गया है। मार्च में ट्रेन आम यात्रियों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों, इसके बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। हम ऐसी ही वीडियोस लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।